में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्ते का स्टीम वाला पकौड़ा। बहुत सा मैंने रेसिपी दिखाया है, लेकिन ये नए तरीके से मैं बनाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही बढ़िया, कितना ये देखिए मैंने बनाया है अरबी के पत्तों का स्टीम वाला पकौड़ा। कितना देखने में भी सुंदर है और खाने में भी स्वादिष्ट है। तो इसके लिए हम चार ही अरबी का पत्ती हमको मिला है, उसी से हम स्टीम वाला पकौड़ा बना करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं आज अरबी, चार अरबी के पत्ते से आज शानदार और बहुत ही स्वादिष्ट स्टीम पकौड़ा। तो ये देखिए, इसका नस हम निकाल दिए हैं और चार ही पत्ता पाए हैं। थोड़ा फट भी गया है, फिर भी हम इसको बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसका मसाला तैयार कर लेते हैं जो इसके अंदर भरना है। तो ये देखिए, ये बेसन एक कटोरी तक हमने ले लिया है, थोड़ा सा चावल का आटा, ये है दो उबला हुआ आलू, जो हरा मिर्च और जीरा का पेस्ट, चम्मच तक धनिया जीरा पाउडर है जो हमने घर पे ही मसाला बनाया है, हल्दी पाउडर मसाला, एक चम्मच तक नमक, सब पानी। अब इसको हम मिक्स कर दे रहे हैं, मिक्स करके इसके गोश्त को तैयार कर दे रहे हैं। इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, इसको सूखा ही आटे की तरह से थोड़ा सा इसको सान देंगे। तो ये देखिए, हमने तैयार कर लिया है उसके अंदर भरने वाला। तो ये देखिए, अरबी का पत्ता है, उसके नीचे का हम थोड़ा काट दिए हैं पोर्शन, इसको निकाल दिए हैं। अब इस पत्तों का भी हम नीचे वाला साइड वाला पोर्शन निकाल दे रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे, ये नीचे वाला हम निकाल दिए हैं। तो ये देखिए, अरबी का पत्ता, ये जो नीचे वाला है उसको पोर्शन हम निकाल दिए हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हैं, छोटा कर दिए हैं। उसके बाद हम इस पे ये लगा दे रहे हैं, जो इसके अंदर लगाने वाला मटेरियल है जो तैयार किया था, हम इस पर इस सारे चीज़ को लगा दे रहे हैं बारी बारी से। देखिए, थोड़ा इस पत्ती फट गया है, इसको हम ऐसे लगा दे रहे हैं, उल्टा करके लगा दे रहे हैं। तो इसके ऊपर से ऐसे ही क्रम से हम इसको बिछा करके और उसके अंदर हम मसाला लगा देंगे, क्योंकि चार की संख्या में ही हमने पत्ती ले रखी है। तो ये देखिए, थोड़ा फट भी गया है, उसका नस निकालते वक्त फट गया है, फिर भी हम इसको इसी पे लगा देंगे। अब इसमें जितना भी मसाला है हम उसमें लगा दे रहे हैं अच्छी तरह से, क्योंकि मोटा रहेगा तभी ये बढ़िया रहेगा। ये देखिए, इसको पत्ती के द्वारा हम अच्छी तरह से ढक देंगे, जितना भी कटा हुआ पत्ती है, ये देखिए सारे पत्तियों को हम ढक देंगे। अब इन फटी हुई पत्तियों से हम इसको चिपका देंगे चारों तरफ से। तो ये देखिए, मेरा ये बढ़िया स्टीम वाला पकौड़ी का जो वो है आकार है, हमने बना लिया है। अब इसको हम भाप द्वारा पकाएंगे। तो मैंने पानी रख दिया है पहले से ही, ये उबल रहा है, इसमें थोड़ा सा हम आयल डालेंगे। अब इस पानी में थोड़ा सा हम सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि हम सरसों इन सब चीज़ों में सरसों का ही तेल इस्तेमाल करते हैं। आटा चालने वाला चलनी है, उसका ये सांचा है, ये इसके अंदर हम इसको रख दे रहे हैं। ये थे, ये अलग से ताई है जाली वाला, तो इसको भी इसके ऊपर रख दे रहे हैं। तो इसके ऊपर हम ये रखने जा रहे हैं, ये देखिए ये भाप से ही पकेगा। तो ये देखिए, हम कढ़ाई में ये भाप के ऊपर रख दिए हैं, अब इसको हम ढक देंगे। जो किनारे किनारे से निकला हुआ है हम उसको उसी में दबा दे रहे हैं, ये भी भाप से बढ़िया से पक जाएगा। हम थाली से ढक दे रहे हैं ताकि इसका भाप बाहर ना निकलने पाए और भाप से ही पक जाए। ये देखिए, भाप के द्वारा अच्छी तरह से पक गया है। ये देखिए, हम निकाल लिए हैं, ये देखिए ये भाप के द्वारा अच्छी तरह से पक गया है। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसको पीस पीस में काट देंगे। हम चारों तरफ से चौकोर टाइप का काट ले रहे हैं, इसके किनारे किनारे का ये जो इसको निकाल दे रहे हैं।
तो इसको खूब बढ़िया से चौकोर टाइप का हम छोटे छोटे पीस में काट देंगे। आज मैंने नए तरीके से बनाया है स्टीम वाली पकौड़ी, जो देखने में भी सुंदर और खाने में भी स्वादिष्ट है। क्योंकि पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो पितृपक्ष में हम लोग नए नए रेसिपी डेली बनाते हैं 15 दिनों तक, खासकर 8 दिन तक। तो आज हमने नए रेसिपी में इसी को बनाया है। ये देखिए, मैंने नए तरीके से आज बनाया है पकौड़ी अरबी के पत्ती की। हमने छोटे छोटे पीस काट लिए हैं न लपेटने। तो ये देखिए, भाप वाली पकौड़ी हमने बना लिया है। देख लीजिए, देखने में भी सुंदर लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा ही मसाला इसके अंदर है। इसको वैसे भी खाया जा सकता है, इसको थोड़ा सा डीप फ्राई करके भी खाया जा सकता है, दोनों तरीक से। ज़्यादा ऑयल खाना नहीं पसंद करेगा, तला भुना नहीं खाना पसंद करेगा, उसके लिए, खासकर उसके लिए है जो भाप से तैयार किया गया है। इसमें ज़्यादा तेल वेल नहीं है, ये भाप से पकाया हुआ है। तो ये देखिए, तवे पर हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके इसी पर थोड़ा सा इसको फ्राई कर दे रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ा इसमें सफ़ेद तेल डाल करके इसको और खूबसूरत बना सकते हैं देखने में। चूँकि हम नहीं डाल रहे हैं इसलिए वाइट कर रहे हैं, पितृपक्ष का समय चल रहा है, पितृपक्ष में सफ़ेद तिल खाया नहीं जाता है, तो इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसको हम इसी में डाल के फ्राई कर देंगे। थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी इसका स्वाद थोड़ा और बढ़ जाएगा। अभी एक साइड से ये भून रहे हैं इसको, दूसरी साइड से पलट देंगे, थोड़ा पीछे का साइड हो जाए। ये देखिए, इस प्रकार इसको हम हल्का हल्का फ्राई कर देंगे और इसके ऊपर से जीरा और काला नमक छिड़क करके जो भी खाना चाहे खा सकता है। और जो भी ये फ्राई किया हुआ नहीं खाएगा वो, उसको ऐसे ही हम रख दिए हैं, फ्राई कर दिया है इस प्रकार। ये देखिए दोस्तों, मेरा स्टीम वाला पकौड़ा तैयार हो गया अरबी की पत्ती का। कहें कितना स्वादिष्ट और कितना देखने में भी सुंदर लग रहा है मेरा स्टीम वाला। ये अरबी के 4 अरबी के पत्तों से मैंने भरपूर बहुत ढेर सारा पकौड़ा बनाया है। ये देखिए, आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा और इस नए तरीके से आप लोग बनाइए।